गति के नियमों को एक साधारण से प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। उसके लिए हम जानते हैं कि कक्षा 6, 7, 8 में गति का चैप्टर है और गति के नियम में से एक बड़ा ही सरल तरीके से उस गति के नियम को समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग है। इसके लिए हमें 2 स्ट्रॉ चाहिए। ये स्ट्रॉ ऐसा हो जो एक साइड से मुड़ सके। बाजार में आपको कई तरह के स्ट्रॉ मिलते हैं, उनमें से एक ऐसा स्ट्रॉ होता है जो एक साइड से इसको हम इस तरह से मोड़ सकते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम इन दोनों के न मुड़ने वाले एंड की तरफ से एक दूसरे में इसको स्ट्रॉ को हम इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं और एक ये लंबी ट्यूब जैसी संरचना बन जाती है। इसके बाद में इसको एक सिरे को हम अपनी तरफ मोड़ते हैं और नीचे का जो दूसरा सिरा है उसको हम किसी भी तरफ दाएं या बाएं तरफ इस तरह से मोड़ सकते हैं। मोड़ने के बाद हम इसे मुंह में इस तरह से डाल के हवा भरते हैं, फूंकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आपने देखा कि इस तरह से फूंकने से ये जो ट्यूब है वो इस दिशा में घूमती है। अब ये क्यों घूमता है ये हमको देखना है। इसके पहले इसी प्रयोग को हम दूसरी तरह से करते हैं। यदि इस एंड को हम दूसरी दिशा में मोड़ दें तब देखते हैं कि क्या होता है। आपने देखा ये अब इस दिशा में घूमने लगे। ये इसके गति में, इसके घूमने की दिशा में हुआ परिवर्तन न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। जब हम इस तरह से इसको मोड़ देते हैं तो वायु जब इस दिशा में बाहर तेजी से निकलती है तो इस ट्यूब को वो उल्टी दिशा में धक्का देती है और इसलिए ये उल्टी दिशा में घूमने लगता है। सेम इसके अपोजिट जब हम इसको इस दिशा में मोड़ते हैं तो वायु इस दिशा से निकलती है और वह उसके विरोध में, उसकी प्रतिक्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया में वो ट्यूब को इस दिशा में धकेलती है और ट्यूब इस तरह से घूमने लगती है। तो एक बड़ा सरल और सबसे सस्ता प्रयोग है। इसको हम किसी भी स्कूल में किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। बच्चे इसको करने में बड़ा आनंद लेते हैं और गति के नियम को भी समझ जाते हैं।